ये जो लेफ्ट साइड वाला रोड देख रहे हैं ना आप, ये जा रहा दिल्ली और चंडीगढ़ के बहुत नजदीक ये खूबसूरत प्यारा सा अनएक्सप्लोर्ड हिल स्टेशन है। कुछ टाइम के बाद ये पानी पानी होगा सारे में, ये जगह जो है वो सारी डूब जाएगी। चलिए भाई ऑफ रोडिंग का मजा लीजिए। आप कर्व देखिए, बिल्कुल ब्लाइंड है। पंजाब का लुधियाना नहीं, ये हिमाचल का लुधियाना है। ऐसी जगह पे तो भाई कौन नहीं राइड करना चाहेगा। कितना खूबसूरत मंदिर है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नाहन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हिमाचल प्रदेश। दोस्तों आज मैं निकल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के एक बहुत छोटे से प्यारे से हिल स्टेशन में, जिसका नाम है हरिपुरधार। तो दोस्तों ये जो हरिपुरधार जगह है, ये बड़ी अनएक्सप्लोर्ड जगह है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। जो नाहन है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का हेडक्वार्टर है, तो यहाँ से लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं वहाँ पहुँचने के लिए। उस जगह पर जो रास्ता है वहाँ पहुँचने का, वो बहुत ही नैरो है और लगातार खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है और बहुत सीनिक रास्ता है। दोस्तों रास्ते में रेणुका आएगा, ददाहू आएगा, जमटा आएगा, एक छोटा सा हिल स्टेशन, तो बहुत खूबसूरत जगह आने वाली हैं और मैं आपको वो सब जगह जो है वो दिखाने वाला हूं दोस्तों। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। मैं अब आपको अपने घर के टेरेस से नाहन का व्यू दिखाता हूं। बहुत खूबसूरत व्यू दिखता है हमारे घर के टेरेस से, तो आप इंजॉय कीजिए इस नज़ारे को और उसके बाद हम लोग राइड स्टार्ट करते हैं और बाइक पर मिलते हैं। ये जो नीचे को रोड जा रहा है, ये जा रहा है शिमला के लिए, और ये जो ऊपर वाला रोड गया है ये जा रहा है बस स्टैंड के लिए, मार्केट के लिए, जो लोकल यहाँ जगह है कच्चा टैंक, रानीताल, ये सारा रोड उस तरफ जा रहा है नाहन शहर के अंदर से होता हुआ। और अब हम लोग आ गए हैं देहरादून शिमला हाईवे पे। ट्रिप मीटर मैंने 0 कर दिया था, तो अभी 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ है और पेट्रोल का जो सिंबल है वो ब्लिंक कर रहा है, तो पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा अभी। जय माता काली। ये ऊपर मंदिर आप देख रहे हैं, बहुत पुराना मंदिर है काली माता का। जमटा 10 किलोमीटर, शिमला 132, हरिपुरधार 84 किलोमीटर। डलवा लेते हैं भैया पत्रियोल, यार फुली कर दे। लो जी ये आ गया टोटल 950 रुपये का। इस रूट पे आके मुझे अपना बचपन याद आता है, जब मैं क्लास 8th में था तो हमारे पास बजाज सुपर हुआ करता था स्कूटर, तो मैं उस पर आया करता था फ्रेंड्स को लेके इन सड़कों पे घूमने। काफ़ी लंबे ट्रिप मारा करते थे उस टाइम हम लोग 8th क्लास में भी, तो हमारे लिए 50 किलोमीटर्स का ट्रिप बहुत होता था। तो पूरे शहर में उस टाइम स्कूटर भी 3-4 ही होते थे गिने चुने, तो वो सारी मेमोरीज जो है वो रिवाइंड हो रही हैं इस टाइम मैं इस रोड पे बहुत टाइम के बाद जा रहा हूँ। वहाँ पे सामने पहाड़ी पे मंदिर है, वो है माँ बाला सुंदरी माता का मंदिर। और ये सामने जो आप मकान देख रहे हैं, रिजॉर्ट्स वगैरह देख रहे हैं, ये है जमटा। यहाँ पे 3-स्टार होटल भी है जमटा में, वो सामने ऊपर है, ग्रैंड व्यू रिजॉर्ट है ये, तो बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट है। और यहाँ से नाहन शहर का ना यार व्यू नीचे को बहुत बढ़िया दिखता है, पूरा नाहन शहर दिखता है। छोटा सा हिल स्टेशन है ये जमटा, आने वाले टाइम में ये काफ़ी फेमस होगा। और यहाँ वेदर बहुत बढ़िया रहता है, गर्मियों में बहुत ठंडी हवा चलती है और सर्दियों में काफ़ी कूल क्लाइमेट रहता है हवा की वजह से ना। तो नाहन से ये 13 किलोमीटर है, जमटा का बोर्ड लगा हुआ है। और ये देखिए ऊपर ग्रैंड व्यू रिजॉर्ट के लिए ऊपर रास्ता जा रहा है। अब हम पहुंच गए हैं ददाहू में, छोटा सा कस्बा है ददाहू भी, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये छोटी सी मार्केट आप देख रहे हैं, थोड़ी सी मार्केट बैक साइड में है। और ये जो बस लगी हुई है ये बस स्टैंड है यहाँ का। ये जो ब्रिज है, ये पुल है, ये कनेक्ट करता है ददाहू और रेणुका को। और ये नीचे रिवर है, ये गिरी नदी है, तो जब हम लोग इस ब्रिज को क्रॉस कर लेंगे तो हम गिरी पार चले जाएँगे। मतलब तो लोकल लैंग्वेज में पार का मतलब होता है उस साइड, दूसरी तरफ, तो इसलिए ये जितना भी एरिया है इस सब एरिया को बोलते हैं गिरी पार।
ये जो लेफ्ट साइड वाला रोड देख रहे हैं ना आप, ये जा रहा है हरिपुर धार के लिए। तो हमें इस रोड पर जाना है। पहले हम लोग सीधे जाएंगे, रेणुका माता के दर्शन करेंगे, रेणुका लेक के दर्शन करेंगे। आपको सिर्फ रेणुका लेक दिखाऊंगा। अब हम आ गए हैं रेणुका लेक में। अब आप दर्शन करेंगे यहाँ से सीधे रेणुका लेक के। ये है दोस्तों रेणुका लेक। यहाँ पर देखिए मेरे, आप देख रहे हैं यहाँ पर राइट साइड में, ये रेणुका लेक है। ये जो रेणुका लेक है ये नाहन से तकरीबन 36 किलोमीटर है। अगर आप दिल्ली या चंडीगढ़ से आ रहे हैं तो दिल्ली से इसका डिस्टेंस आपको पड़ेगा लगभग 300 किलोमीटर के करीब, और चंडीगढ़ से आपको 150 किलोमीटर के करीब पड़ेगा। दिल्ली और चंडीगढ़ के बहुत नजदीक ये खूबसूरत प्यारा सा अनएक्सप्लोर्ड हिल स्टेशन है और बहुत प्यारी जगह है दोस्तों। ये जो जगह है ये परशुराम जी की जन्मस्थली है और माता रेणुका जो है वो परशुराम जी की माता थी, तो इसलिए ये जगह बहुत पवित्र मानी जाती है। और यहाँ पर एक फेमस फेयर लगता है जिसको रेणुका फेयर भी कहते हैं, जो कि भगवान परशुराम और माता रेणुका जी के मिलन के लिए मनाया जाता है। यहाँ से आपको मैं रेणुका लेक का नज़ारा दिखाऊंगी। ये जो लेक है हिमाचल की लार्जेस्ट नेचुरल लेक है। रेणुका का ब्लॉग पहले भी किया हुआ है, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, आप जाके चेकआउट कीजिए। आगे हैं हरिपुर धार वाले रोड पे और नीचे देखिए कितनी खूबसूरत गिरी नदी है। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर है, ग्रीन कलर का, बहुत साफ पानी है भाई। वो जो आपको ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं उन पहाड़ों के भी बहुत पीछे जाना है हम लोगों को। ऐसे पता नहीं कितने पहाड़ अभी क्रॉस करने हैं। और यहाँ से अब जितना भी रोड है ना यार, ये बिल्कुल सिंगल है और खड़ी चढ़ाई वाला, और एक तरफ इसमें खाइयाँ हैं गहरी। अब आप यहाँ से जो नज़ारे देखोगे ना आगे के, इससे आगे की जो राइड रहेगी वो बहुत एडवेंचरस रहेगी भाई। ये डैम साइट है, यहाँ पर रेणुका का डैम बनेगा और कुछ टाइम के बाद, अभी आप ये देख रहे हैं यहाँ पे रिवर है, कुछ टाइम के बाद ये पानी पानी होगा सारे में, ये जगह जो है वो सारी डूब जाएगी पानी में। अभी यहाँ पे एक आगे पुल आने वाला है, धुनोई पुल बोलते हैं उसको। 5-6 दिन पहले अभी ये पुल टूट गया है, इसका टाइम ख़त्म हो गया था और ये वैली ब्रिज टूट गया। और देखिए आप अल्टरनेट रोड निकाला है यहाँ से निकलने के लिए, तो पता नहीं ये निकल बाइक निकल जाएगा यहाँ से। ये टूटा हुआ है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ चल के। यहाँ ये ब्रिज टूटा हुआ है, यहाँ ब्रिज था ये कनेक्ट करता था इसको। और नीचे देखिए आप, ओ माय गॉड, ट्रक भी, ये ट्रक क्रॉस कर रहा था इस ब्रिज को। और आप देख रहे हैं भाई साहब, ट्रक वाले भी बचा नहीं होगा यार। ओ माय गॉड, टूट गया ब्रिज, कितना ज़बरदस्त और ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ है। तो काम चल रहा है अभी इसको, पुल को बनाने का, अभी तो बहुत टाइम लगेगा। तो वापस चलते हैं और अल्टरनेट जो रोड निकाला है वहाँ से निकालते हैं अब बाइक को। ये मैं आपको दिखाने के लिए ले आया था, ये निकाला है देखिए अल्टरनेट रोड अब बनाया है इसको। यहाँ से चलते हैं हम लोग, थोड़ी ऑफ रोडिंग भी आ जाएगी, मज़ा आएगा ऑफ रोडिंग करने का। तो अब हमारी ऑफ रोडिंग भी इसके साथ साथ हो रही, हमारा एक्सपल्स करेगा अब ऑफ रोडिंग बढ़ोल नाहन। ओहो डस्ट, चलिए भाई ऑफ रोडिंग का मजा लीजिए। भाई कितनी हाइट से ट्रक गिरा है नीचे, क्या नज़ारा, कहाँ आ गए हम लोग, जबरदस्त व्यू यार। ओ माय गॉड, क्या व्यू है, वहाँ से आए हैं हम लोग। देखिए अभी आपको नज़ारा दिखाता हूँ आगे, मैं यहाँ से बाइक रोक के। वो जो ब्रिज दिख रहा है अभी हम लोग वो क्रॉस करके आए हैं, और कितनी हाइट हम लोगों ने ले लिया। अब आप यहाँ से व्यू देखो भाई, ज़बरदस्त व्यू है। तो अब थोड़ी सी टेरिन चेंज हो गई है, अब वेजिटेशन कम हो रही है। देखिए जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं अब ये कुछ अलग टाइप के पहाड़ आ गए। बहुत नैरो रोड है यार ये, एक बस के बराबर है, मतलब अगर सामने से बस आ जाती है तो बाइक को भी रोकना पड़ता है। इस एरिया को क्रॉस करने के बाद आपको केव्स भी मिलेंगी, छोटी छोटी केव्स बनी हुई हैं, क्योंकि ये रॉकी माउंटेन है सारा। और आप कर्व देखिए, बिल्कुल ब्लाइंड है, शार्प टर्न्स हैं एकदम से। ओह हवा भाई, मौसम बहुत ठंडा हो गया, हवा की आवाज़ भी शायद आपको आ रही होगी।
बहुत तेज हवा है और पहाड़ों को ये देखिए, मैं आपको बता रहा था केव्स यहाँ देख रहे हैं आप कितनी केव्स थी। मैं निकल गया, एक्चुअली टर्न पे थी ये केव, तो ऐसी ऐसी केव्स हैं यहाँ पे बहुत सारी। ये है संगड़ा। तो जब हम लोग नाहन से आते हैं तो ददाहू के बाद संगड़ा ही एक ऐसी जगह आती है जहाँ पर आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, खाने पीने के लिए मिल जाएगा और ढाबे दुकानें मिल जाएंगी। तो ये नीचे वाला जो रोड गया है ये गया है नौराधार पार्लर के लिए, गत्ताधार के लिए, और ऊपर से भी जाता है नौराधार के लिए। दोस्तों इस टाइम मैं पहुंच गया हूं लुधियाना में। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या बोल रहा है, हिमाचल की पहाड़ियों से सीधे पंजाब में बोल रहा है। तो दोस्तों ये पंजाब का लुधियाना नहीं, ये हिमाचल का लुधियाना है। मैंने आपको एक बार स्पीति ट्रिप पे चंडीगढ़ भी दिखाया था, स्पीति में भी एक चंडीगढ़ है, ऐसे ही एक लुधियाना डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में भी है। तो बहुत प्यारी लोकेशन है दोस्तों, यहाँ से लुधियाना जो है लगभग आधा किलोमीटर आगे है। बट जिस स्पॉट पे मैं यहाँ पे आके रुका हूँ ना, यहाँ से लोकेशन बहुत प्यारी है। अब पहुंच गए हम लोग हिमाचल के लुधियाना में भाई, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये इस जगह को अंधेरी भी बोलते हैं और लुधियाना भी बोलते हैं, तो दो नाम है। पंजाब के दो शहर तो भाई हिमाचल में भी हो गए, एक चंडीगढ़ और दूसरा लुधियाना। ये है लुधियाना, बहुत खूबसूरत गांव है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, और इंटीरियर भी काफ़ी है। टूरिस्ट तो यहाँ आपको ना के बराबर ही मिलेगा, सड़कें बिल्कुल खाली मिलेंगी। तो भाई राइड का तो यहाँ अपना ही मज़ा है। देखिए आप जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना भाई, कोई नहीं राइडर मिलेगा आपको, सिर्फ लोकल लोग मिलेंगे, जो भी एक आध मिलेगा, अदरवाइज सड़कें खाली। तो ऐसी जगह पे तो भाई कौन नहीं राइड करना चाहेगा। लुधियाना से आगे का जो रास्ता है ना दोस्तों, वो जंगल वाला है, काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है और आबादी आपको नहीं मिलेगी। तो माता बंगाणी का जो मंदिर है वो 5 किलोमीटर रह गया दोस्तों, हरिपुर धार 3 किलोमीटर है, वहाँ से 2 किलोमीटर आगे है मंदिर। सोलो राइड के भी भाई अपने ही मज़े हैं, जहाँ दिल करता है वहाँ रुक जाओ, जितनी देर दिल करता है उतनी देर रुको। ग्रुप में क्या होता है, कई बार राइडर आगे निकल जाते हैं तो ये टेंशन रहती है कि रुक नहीं सकते यार लोग आगे निकल के। अगर आप आगे हो तो वेट करनी पड़ती है यार, राइडर पीछे रह गए। ग्रुप में थोड़ा सा ये दिक्कत रहती है, और सोलो राइड में मज़े हैं भाई, जहाँ दिल करता है वहीं रुको, जहाँ नज़ारे अच्छे लगे चाहे 5 मिनट रुको या 15 मिनट रुको, ये आपके ऊपर है। अब हम पहुँच गए हैं हरिपुर धार। ये है दोस्तों छोटा सा हिल स्टेशन हरिपुर धार, और ये जो रोड आप देख रहे हैं वो जा रहा है, ये जा रहा है सोलन के लिए, नौराधार होते हुए राजगढ़ होते हुए। तो बहुत प्यारा सा हिल स्टेशन है, और वो सामने जो ऊपर रोड जा रहा है वो जा रहा है हरिपुर धार मंदिर के लिए, बंगाइनी माता के मंदिर के लिए। देखिए यहाँ मई मंथ में भी, मिड मई में भी लेडीज़ ने स्वेटर पहनी है, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ठंडा है यहाँ पे। मुझे अपनी राइडिंग जैकेट में भी ठंड लग रही है, क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन नहीं है, क्राउड नहीं है, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, और कंस्ट्रक्शन भी ज़्यादा नहीं हुई है, इस वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है ना भाई बहुत गजब का है। ये छोटा सा बस स्टैंड है, इसका बस स्टैंड क्या है, यहाँ बस बसें रुकती हैं, 3 बसेस लगी हुई हैं। और ये वाला जो रोड है, ये राइट साइड का जो रोड जा रहा है, ये जा रहा है रोनाट के लिए, शिलाई के लिए, और हमें जाना है ऊपर वाला रोड। ये रोड चला गया लेफ्ट साइड वाला, ये जो आप देख रहे हैं ये सोलन के लिए, ये सोलन की बस लगी है। तो ये छोटा सा है बस, ये हरिपुर धार आप देख रहे हैं। वाओ, अब हम जा रहे हैं मंदिर के लिए। तो मंदिर के लिए सीधा रास्ता जा रहा है, और PWD रेस्ट हाउस हरिपुर धार का यहाँ है। अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ आपको होटल होम स्टे मिल जाएंगे, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, ढाबे भी काफ़ी हैं यहाँ। बट आपको खाना जो है ना वो सिंपल सा ही मिलेगा यहाँ, आप ज़्यादा आपको चॉइस नहीं मिलेगी खाने की। अब यहाँ से ठीक 2 किलोमीटर आगे माता बंगाइनी का मंदिर है, तो अब मैं आपसे वहीं मिलता हूँ दोस्तों। पहुँच गए हैं माँ बंगाइनी देवी के मंदिर में, और ये वेलकम गेट है माँ बंगाइनी देवी के मंदिर परिसर का। एग्जैक्ट 12 o'clock हम पहुँच गए यहाँ पे। कितना खूबसूरत मंदिर है, काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। वाओ, जय माता की।
दोस्तों इस टाइम मैं पहुंच चुका हूं माता भगाइनी के मंदिर परिसर में और अभी बस अंदर जाकर मैं दर्शन करूंगा। तो दोस्तों ये जो जगह है हरिपुर धार, ये तकरीबन दिल्ली से 350 किलोमीटर दूर है और चंडीगढ़ से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है। तो आप यहां पर अगर आना चाहें तो ये बहुत अच्छा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, एक बहुत अच्छा रिलीजियस प्लेस है और बहुत खूबसूरत यहाँ पर मंदिर है। ठहरने की दोस्तों यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मंदिर परिसर में धर्मशाला है मंदिर कमेटी द्वारा बनाई हुई, तो यहाँ पर आप रुक सकते हैं। बहुत बढ़िया नीट एंड क्लीन कमरे हैं और हरिपुर धार में आपको होम स्टे और होटल्स मिल जाएंगे ठहरने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा यहाँ टूरिस्ट का कोई क्राउड नहीं है दोस्तों, क्योंकि अनएक्सप्लोर्ड जगह है। बाकी आपने वीडियो में देखा ही है रास्ता कितना सीनिक है। चलिए दोस्तों अब अंदर मंदिर परिसर में चलते हैं, वहाँ मैं दर्शन करता हूँ। कैमरा वहाँ अलाउड नहीं है तो मैं आपको मंदिर परिसर अंदर से दिखा नहीं पाऊंगा। माता भंगाइनी का मंदिर है, ये तकरीबन 8,500 फीट की हाइट पे है और इस मंदिर के ठीक सामने आप मेरे पीछे ये जो पहाड़ी देख, ये चूड़धार पीक है दोस्तों। तो यहाँ से चूड़धार बिल्कुल सामने दिखती है और चूड़धार से माता भंगाइनी का जो मंदिर परिसर है वो बिल्कुल सामने दिखता है दोस्तों। इसके पीछे भी एक कथा है, मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ। एक्चुअली ये जो माता भंगाइनी है, ये चूड़ेश्वर महाराज की धर्म बहन थी, जिन्होंने चूड़ेश्वर महाराज को मुगलों से, औरंगजेब से जो है दिल्ली कैद से से आजाद करवाया था, तब से उन्होंने वचन दिया था कि मैं आपके सामने रहना चाहती हूं। तो चूड़ेश्वर महाराज ने उनको यहां पर स्थान दिया था, तब से ये मंदिर यहां पर विराजमान है। ये जो जगह है हरिपुर धार, ये हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के हरिपुर धार में है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ से एक 360 डिग्री व्यू भी दिखा देता हूँ। ये जो मेरी फिंगर है दोस्तों, यहाँ पर चूड़धार पीक है। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आ सकूं। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।